एमजी ने आज भारतीय बाजार में हेक्टर प्लस को अनाउंस कर दिया। क्या कीमतें हैं, या कीमतें क्या अपने मार्केट के कॉम्पिटिटर से बेहतर है? बेहतर है तो कितनी बेहतर है? क्या वो बेहतर जस्टिफाई करती हैं या फीचर्स भी कम कर दिए गए हैं? डिटेल से बात करते हैं और पूरी बात समझते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। सच्चे लोग कम होते हैं लेकिन वो सच्ची बात सुनना पसंद करते हैं, और मेरे YouTube चैनल पर ऐसे सच्चे लोग कम ही हैं लेकिन फिर भी बहुत पसंद करते हैं, और वह हमेशा दिल के करीब होते हैं। और यही वजह है कि मैं मिलियंस में नहीं खेलता, आराम से खुश हूँ कुछ ही लाख लोगों के साथ। तो क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो आडंबरों से दूर रहते हैं? अगर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन भी बेल ऑन रखिए, और हाँ लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात करते हैं हेक्टर प्लस की। एमजी की हेक्टर भारतीय बाजार में जब लॉन्च हुई आज से ठीक एक साल पहले, तो उसने एक से एक बेहतरीन कारों को अपने सेगमेंट की हरा दिया। जीप कंपास दुनिया का जाना माना नाम, इंडियन कार हैरियर बुरी तरह हारी। इवन अपने सेगमेंट में किसी को इसने टिकने नहीं दिया, चाहे एक्सयूवी 507 सीटर रही हो या कुछ भी रहा हो, कोई इसके आसपास नहीं टिक सका। तो क्या यह टिकने की वजह कुछ और थी? हाँ, इसकी वजह थी एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी, साथ ही अब ढेर सारे फीचर्स। इंडियन मार्केट में पैनोरामिक सनरूफ, इंडिया में पहली बार इंटरनेट कनेक्टेड कार, वॉइस कमांड वाली कारें, ये सारे फीचर्स जो आए इसने हेक्टर को बिकने वाली कार बना दिया, और भारतीय सड़कों पर आते ही दिखनी भी शुरू हो गई। ये एक नया ताजुब का ट्रेंड था जो कभी होता नहीं है। जब कार लॉन्च होती है तो उसे धीरे धीरे सड़कों पर दिखने में वक्त लगता है, लेकिन हेक्टर सड़कों पर जल्दी दिखने लगी। तो क्या हेक्टर प्लस भी वैसे ही करेगी? भाई ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्राइजिंग की बात करते हैं कि प्राइजिंग कैसी है और इसमें क्या फीचर्स दे रखे गए हैं। अगर आप हेक्टर प्लस को आंखों से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में चले जाइए, मैंने उसके विजुअल्स लगा रखे हैं जिन्हें आप खुद देख सकते हैं। जो फीचर्स सबसे ज़्यादा इस मार्केट में अपील ला रहे हैं उनमें पैनोरामिक सनरूफ, इंटरनेट कनेक्टेड कार, साथ ही वॉइस कमांड वाले फीचर्स, 10.4 इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो इवन इनोवा तक में मौजूद नहीं है, 360 कैमरा वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, और इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और जेस्चर बेस्ड टेल गेट ओपनिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, हीटेड ORVM। डेफिनेटली फीचर्स के मामले में हेक्टर प्लस काफ़ी रिच है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। तो अब इसकी प्राइसिंग क्या वो जस्टिफाई करती है? पहले प्राइसिंग को समझते हैं, तभी ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा कि यह प्राइसिंग कैसी है। डीजल में आपको सबसे लोअर वेरिएंट जो है वह है स्टाइल 14,43,000, दूसरा सुपर 15,64,000 रुपीज़, तीसरा स्मार्ट 17,14,000 रुपीज़, और चौथा है शार्प 18,53,000 रुपीज़। यानी इसका टॉप एंड वेरिएंट इनोवा के वेरिएंट से पूरे पूरे 5 लाख रुपए सस्ता है, और 5 लाख रुपए में इतना डीजल आ जाएगा, इतना डीजल आ जाएगा कि कई साल कई लोग चला सकेंगे। तो प्राइसिंग मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है, और लोअर दो वेरिएंट तो ऐसे हैं जिनके प्राइसिंग पर इनोवा आती ही नहीं है, यानी उनको कोई कंपटीटर ही नहीं मिल रहा है सिवाय मैरेजो को, जो कि काफ़ी छोटी छोटे इंजन के साथ आने वाली गाड़ी है और फीचर्स भी इतने नहीं हैं। पेट्रोल में 13,48,000, स्मार्ट दूसरा वेरिएंट है 16,64,000 रुपीज़, और तीसरा है शार्प वेरिएंट 17,28,000 जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। 17,28,000 रुपीज़ से तो इनोवा शुरू होती है, जहां पर इसका टॉप एंड वेरिएंट एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ भी मिल रहा है। यानी पेट्रोल में मैं ये कह सकता हूं कि इनोवा के मुकाबले शायद यह कार ऑलमोस्ट 5 लाख से 6 लाख रुपीज ज़्यादा सस्ती पड़ रही है एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। ये तो थी प्राइसिंग, अब इस प्राइसिंग में कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है? भाई इसी के लिए तो ये वीडियो है। तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरी नज़र में जो है वह है इसका सुपर वेरिएंट डीजल में। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी 1564 का मिलता है, जितने में मैरेजो का टॉप एंड आता है उतने में आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बड़ी कार होने का एहसास भी रहेगा। और अगर आप इनोवा खरीदने के बारे में सोचते हैं तो इसका टॉप एंड खरीद लीजिए, बचत ही बचत है, फीचर्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं और 5 लाख रुपए
भी आपके जेब में आ रहे हैं, और 5 लाख रुपए में तो एक अच्छी और कार भी आ जाएगी, वरना इतना डीजल आ जाएगा कि आप कई सालों तक चला सकेंगे। और पेट्रोल में अगर मुझसे पूछा तो मैं कहूँगा इसका शार्प वेरिएंट जो कि टॉप एंड वेरिएंट है वही ठीक है, क्योंकि उसकी कीमत 1728 है, बहुत जस्टिफाइड प्राइसिंग लग रही है। अब यह बात है क्या इस भारतीय बाजार में जहाँ पर इस समय अलग तरह के सेंटीमेंट चल रहे हैं, उन सेंटीमेंट्स के ऊपर पॉकेट इम्पॉर्टेंट होगी, ये तो सेल्स फिगर बताएंगे, क्योंकि सेंटीमेंट सोशल मीडिया पे होते हैं और सेल्स फिगर रिकॉर्ड में होती है। अब हमें यह देखना है क्या सेल्स फिगर इनोवा को टक्कर दे पाती हैं या नहीं, जबकि यह बात जानना जरूरी है कि MG का प्लांट ही बहुत छोटा है, उसमें इतनी कारें नहीं बनाई जा सकती हैं जितनी कि इनोवा भारतीय बाजार में बिकती रही हैं। यह बात शायद बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए आपके साथ शेयर किया है। अब आप कंज्यूमर हैं, आप ही तय कीजिए आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा पसंद आ रहा है और आप इसका मुकाबला किसके साथ देखते हैं, और अगर आप इसका कोई कंपटीटर देखना चाहते हैं या इसे बिग फाइट में देखना चाहते हैं किसी कार के साथ, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप इसकी बिग फाइट किसके साथ देखना चाहते हैं, तो मैं वो वीडियो बनाना पसंद करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आई डिसलाइक का बटन दबाइए। और अब यहाँ से शुरू होता है हेक्टर प्लस के विजुअल्स, जिन्हें आप देख के समझ सकते हैं कि एक कार देखने में कैसी लगती है। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु।